विश्वास करो दोस्तों, आपके शरीर को छोटी से लेकर बड़ी बीमारी या कोई भी खतरनाक बीमारी हो, वो छू तक नहीं पाएगी, केवल आपको पेट साफ करने का। गौतम बुद्ध ने बताया हुआ एक नियम अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। वह नियम कौन सा है, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर मकान की नींव कमजोर है तो क्या मकान टिक सकता है? नहीं, वह कभी भी गिर सकता है। अगर हमें अपने मकान को सुरक्षित रखना है तो पहले हमें उसकी नींव को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक उसकी नींव कमजोर रहेगी तब तक वह मकान टिक नहीं पाएगा। इसी तरह हमारा शरीर है, अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने पेट को साफ रखना होगा, क्योंकि यही हम पूरे शरीर की नींव है। हमें हमारी आंतों को साफ रखना होगा, क्योंकि यह शरीर में बहुत सारे कार्य करती है, जैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट से लेकर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके शरीर के हर अंग तक पहुंचाती है और खाने के अंदर मौजूद जहर को शरीर से बाहर निकालती है। शरीर में जितनी भी गंदगी जमा होती है उसकी सफाई करने का कार्य हमारी आंतों का ही होता है। अगर यह गंदी रहेगी तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जब हमारी आंत ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है तो उसी की वजह से हमें कब्ज होती है, इंडिजेस्टन होता है, एसिडिटी और गैस बनती है, बहुत सी भयंकर गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, माइग्रेन, कील, मुहासे। चेहरे पर झुर्रियां जितनी भी बीमारियां होती हैं वह सभी बीमारियां हमारी आंतों में जमी गंदगी की वजह से होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी आंतों में जमी गंदगी को एक दिन में साफ कर सकते हैं, जिससे हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आज इस कहानी में आपको ऐसे नियम बताए जाएंगे जिनको अपनाकर आप अपने पेट की पूरी तरह सफाई कर सकते हैं, और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपना एक छोटा सा आश्रम बनाकर नदी के किनारे रहा करते थे। उनकी चर्चा नगर नगर फैली हुई थी, इसीलिए एक युवक उनसे आकर बोलता है, गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है, कृपया करके मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर वह गुरु उस युवक से कहता है, तुम्हें क्या समस्या है बेटा? तब वह युवक उनसे कहता है, गुरुदेव, मेरे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर बना लिया है, मैंने बहुत सारे वेदों के पास जाकर उपचार करवाया है, मैंने अपना बहुत सा धन खर्च किया है, लेकिन अभी तक मुझे राहत नहीं मिली है, कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं और मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो। युवक की पूरी बात सुनने के बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अस्वस्थ रहने का कारण तुम्हारे शरीर में जमी हुई गंदगी है, और इस गंदगी की वजह से आप जो भी खाते हैं उससे आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है, और इसी वजह से आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह भी कम हो गई है, फिर इससे आपका जो शरीर है उसमें बीमारियां घर बना लेती हैं। हमारे शरीर में सर्वप्रथम गंदगी तीन जगह पर जमा होती है, पहली आहार नाल में, दूसरी पेट में और तीसरी आंतों में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रहती है तो यह हमारे शरीर में फैलेगी, और यह फिर किडनी में, फेफड़ों में और हृदय के आसपास भी जमने लगेगी, अतः खून को गंदा कर देगी, और खून के गंदा होते ही आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। हम जो खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है, हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम दो तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, पहला वह जो सीधा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और दूसरा वह जिसे मानव से निर्मित किया जाता है। प्रकृति में प्राप्त फल और सब्जियां हैं, और मानव निर्मित रोटी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना समय हमें अपने पेशाब को करने में लगता है उतना ही समय हमें अपने मल को पास करने में भी लगता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जब हम शौचालय में जाते हैं तो लगभग 20 से 25 मिनट लगा देते हैं, उसके बाद भी हमारा पेट जो है वह ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता है, कई बार तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है।
जिस वजह से हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसका कारण है कि आपकी आंतों के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। आंतों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो चुके हैं, और ये टॉक्सिन हमारे अंदर आंतों को ही कमजोर नहीं बना रहे हैं, बल्कि शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। आपका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं रह पाता है, तो इसके लिए आपको इस दिनचर्या को अपनाना होगा। अगर आप इस दिनचर्या का 7 दिन तक प्रयोग कर लेते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी पुराने से पुरानी गंदगी जमा हो चुकी है, वह पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। और यह दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, और इस दिनचर्या को सभी बड़े बड़े आर्ष महर्षि अपनाते थे। स्वयं गौतम बुद्ध भी इस दिनचर्या का अनुसरण किया करते थे। महर्षि वाग्भट्ट भी इन नियमों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, और जो भी नियमों का पालन करता है, उसे जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में वह कौन सी दिनचर्या बताई गई है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस दिनचर्या में बताया गया है कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत सुबह से करनी है। जब आप सुबह उठते हैं, तो आप सबसे पहले एक गिलास पानी लीजिए। पानी को थोड़ा गुनगुना कीजिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उस पानी के अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वह सक्रिय हो जाता है। उसमें गैस्ट्रिक जूस अच्छी तरीके से रिलीज होते हैं, और आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वह बाहर आने लगते हैं। इस वजह से आपकी पाचन क्रिया जो है वह सारे दिन बहुत बढ़िया रहती है। आपका शरीर हल्का हल्का महसूस होता है। जो भी आप खाते हैं वह आपको अच्छी तरीके से हजम हो जाता है। दरअसल नींबू में विटामिन सी होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में जमा गंदगी को मल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे और कुछ भी खाना पीना नहीं है, और इस आधे घंटे के दौरान आप घूम सकते हैं, योग कर सकते हैं, या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधा घंटे के बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा नहीं है, तो आप एलोवेरा का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है, तो कहीं से एलोवेरा की फ्रेश पत्तियां तोड़कर लाइए, और उस एलोवेरा की एक पत्ती को लीजिए और उसे बीच से कट करके उसका जेल निकाल लीजिए। इसके बाद एक गिलास में उस जेल को डाल लीजिए और उसका सेवन कीजिए। एलोवेरा का जेल खाने से आपके शरीर के अंदर जितने भी जर होते हैं वह खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो कहीं स्वास्थ्य परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी मदद करता है। दरअसल फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों के ओम रिजर्वेशन में सुधार करने में मदद करते हैं। एलोवेरा ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है। एलोवेरा में जो कॉम्प्लेक्शन शुगर होता है, इनमें ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने वाले गुण होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। एलोवेरा का जेल लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पाना नहीं है, और आप उस आधे घंटे में कुछ और कर सकते हैं, जैसे आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आपको कोई नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको ताजा फल खाने हैं, जो आपको सीधे मां प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आपको एक बड़ी सी कटोरी लेनी है और उसके अंदर ताजा ताजा फल काट लेने हैं, और एक कटोरी पूरी भरकर आपको फलों का सेवन करना है। एक कटोरी फल के साथ आपको एक कटोरी दलिया का भी इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह जब हम ताजा फल खाते हैं, तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फलों के अंदर बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है, और उस फाइबर का बहुत ज्यादा फाइबर हमारे शरीर को होता है, जिससे हमारी आंतों को
साफ करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको नाश्ते में कभी भी चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर नाश्ते में सुबह चाय या कॉफी ना लें तो उनको सर दर्द होने नहीं लगता है चाय पिए बिना, तो वह फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुबह बिस्तर में से उठने के बाद पानी भी नहीं पीते हैं और सीधा चाय पीते हैं, यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सभी चाय के आदि हो चुके हैं, लेकिन आपको चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना है। अब आपको नाश्ते के बाद दोपहर का भोजन करना है। जब आप दोपहर का भोजन खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले आपको एक कटोरी भर के सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना है। एक कटोरी भरकर आपको फल और सब्जियां खा लेनी है और इसके बाद आपको अपने दोपहर का भोजन करना है। दोपहर के भोजन में आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे यहां पर सभी लोग गेहूं की रोटी ही खाते हैं, लेकिन आपको उसकी जगह मिक्स वाली रोटी लेनी है, यानी कि जिस आटे से आप रोटी बनाते हैं वह आटा केवल गेहूं का नहीं होना चाहिए। उस आटा में थोड़ा सा आटा आप चने का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा आप जौ का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा रागी का और थोड़ा सा आटा आप बाजरे का मिला दीजिए। इस तरह से इन सारे आटों को इकट्ठा करके रोटी बनाइए और इस रोटी का इस्तेमाल आप कीजिए। मिक्सर आटे की रोटी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि यह रोटी आपके आंतों के अंदर जाकर चिपकती नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतों को साफ करने का काम करती है, क्योंकि जितनी भी चीज हम आटे के अंदर मिलाते हैं वह हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, क्योंकि इनके अंदर कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है, इसीलिए हमारे शरीर को फायदा भी ज्यादा होता है। और जो आप गेहूं की साधारण रोटी खाते हैं वह आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाती है और अच्छे से हजम नहीं होती है, इसीलिए आपको मिक्सर रोटी लेनी है और उसके साथ आपको कोई भी एक साधारण सब्जी लेनी है और एक कटोरी दाल लेनी है और थोड़े से चावल का भी आपको इस्तेमाल कर लेना है। ये आपके दोपहर का भोजन है और यह सारी चीजें आपको भर भर के न्यूट्रिएंट्स देती हैं, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके बाद आपको शाम ढलने से पहले जो भी फल और जो भी सब्जियां आपको पसंद है और एक कटोरी भरकर काटकर उसको खा लेना है। फिर सूरज ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। रात के खाने के अंदर आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है। जितना आप कम खाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप चार रोटी खाते हैं तो आप दो ही रोटी खाइए, और अगर आप दो रोटी खाते हैं तो आप एक ही रोटी खाइए, यानी आपको अपने भोजन को आधा कर देना है। जब आप रात को भोजन हल्का करेंगे और कम लेंगे और सूरज ढलने से पहले ही यानी 7 से 8 बजे अपना भोजन कर लेंगे तो आपके शरीर को बहुत सारा समय मिल जाएगा, आपके पेट को बहुत सारा समय मिल जाएगा जिससे कि वह खुद को अच्छे से साफ कर सकें, आपकी आंतों को समय मिल जाएगा अपने आप को साफ करने का, और जो आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति है वह भी सक्रिय हो जाएगी और हीलिंग का काम करना शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, जितनी भी चीजें खराब होती हैं, उन सबको आपकी प्राण शक्ति ठीक कर देती है। लेकिन अगर आप अपना भोजन पेट भर कर लेते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी रात भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पाती है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप सोने जाएं तो आपका पेट पूरी तरह खाली होना चाहिए, ताकि आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने में लग जाए, न कि आपके खाने को पचाने में। इसके बाद आपको रात को सोते समय एक चीज और खानी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यह कहते हैं कि अगर हम दिन ढलते ही यानी कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच खाना खा लेंगे तो हमें सोते समय भूख लगने लगती है, क्योंकि हम रात्रि को 10 बजे तक जागते हैं, तो हमें रात को सोने से पहले आधा ग्लास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालनी है, फिर उसको दूध में अच्छी तरीके से मिला लेना है। अगर आपको मीठा दूध पसंद है तो आप उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए, इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे यह इसबगोल की जो भूसी है वह फूल जाएगी, उसके अंदर जो फाइबर होते हैं वह अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और ये एक खीर जैसे बन जाएगी, और इस खीर को आपको सोते समय इस्तेमाल करना है। यह आपके पेट को भी भर देगी जिससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और इससे आपको अनेक फायदे भी होंगे। इसबगोल के अंदर बहुत ही बढ़िया वाला फाइबर होता है, जिससे जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ साथ इसबगोल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है
और आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रण में रखता है और आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी कम करता है और इससे रात को आपको भूख भी नहीं लगती है। ये सब गोल के अंदर कैलोरीन के बराबर होती है। इसलिए अगर रात को सोते समय आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर आप यह नियम अपनाते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर की सारी गंदगी जो है वह साफ हो जाती है और जितनी भी आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं वह कभी नहीं होगी। आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। आपका पाचन तंत्र जो है वह मजबूत होगा। खाया पिया आपको हजम होगा। गैस और एसिडिटी की शिकायत आपको कभी नहीं होगी और आपको जो कब्ज है वह भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार ना पड़े। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नजर आते हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 6 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धावस्था में भी जवान बनाए रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। मां प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन ही नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखाई देने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कहीं बीमारियां उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना है, आपको बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक गांव आता है। वो गुरु बहुत ही दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहां पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके गुस्से से भी थे। जैसे ही वो गुरु एक वर्ग के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर कहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप तो बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं, हमने आपके बारे में चर्चाएं सुनी हैं, कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठा और बोला, महाराज अभी मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूं। मुझे बहुत थकान होने लगती है, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है, मैं थोड़ी सी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कर पहिया मुझे मेरी इस समीक्षा का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगहों पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है, अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूंगा तो मैं तो बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में वो 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं, लेकिन अपनी उम्र से अधिक दिखाई पड़ता हूं। मेरे चेहरे पर झुर्रियों पड़ गई है, मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ही ज्यादा थक जाता हूं, मुझे बहुत आलस आता है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थकाता का महसूस करता हूं। कृपया आप हमें कोई ऐसा आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है, इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ये चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गुरु की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें विस्तार से बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 6 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ
और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि यह फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, उन्हें खाने से आपको लाभ कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह फल किन लोगों को नहीं खाने चाहिए और इन फलों को खाने का सबसे सही समय क्या है। फिर गुरु उस सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी बूटी है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप यह समझो कि 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। यहां पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पाइपिंग, यह एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिसे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। पपीता ग्रिड पदार्थ या भोजन को आसानी से पचाता है। इसके साथ ही पपीता में पाचक तत्वों का एकमात्र प्रकृति की स्रोत पेप्सिन तथा विटामिन ए बी सी डी के अलावा आयरन, फॉस्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और केरोसिन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। अतः बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का सेवन करना काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका ह्यूमन सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि खासकर वर्ग लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बर्दाई अवस्था में त्वचा में ड्राइनेस, झुर्रियां पड़ने लगती है। तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पाइपिंग परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता के फल में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन कैंसर के खतरे को कम करता है, और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। पपीते का सेवन जवान से लेकर बूढ़े तक सभी लोग कर सकते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं, आइए अब जानते हैं दूसरे फल अनार के बारे में। अनार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अनार को सभी लोग हंस सकते हैं और खासकर 50 की उम्र के बाद इसका सेवन लाभकारी इसलिए हो जाता है, क्योंकि 50 की उम्र के बाद लोगों की स्मरण शक्ति जो होती है वो कमजोर होने लगती है। वो लोग किसी भी चीज को याद नहीं रख पाते हैं। कहीं लोग तो बुढ़ापे में लोगों के चेहरे भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को अनार का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अनार आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह याददाश्त को मजबूत करता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव करता है। साथ ही यही एंटीऑक्सीडेंट जो अनार में होता है वो आपको दिल की बीमारियों से भी बचाता है। आजकल दिल से संबंधित बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हैं और बहुत ही कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसे में इस खतरे से बचने के लिए आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही अनार में फाइबर होता है जो पाचन को सुलाता है। यह कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। बुढ़ापे में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, जिससे लोगों को कब्ज, अपच जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में अनार आपको इन सभी समस्याओं से बचा सकता है। ज्यादा उम्र के लोगों में एक समस्या बहुत ही ज्यादा आती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जिससे वे लोग बुढ़ापे में ही बहुत परेशान होते हैं। लेकिन अनार आपको इस समस्या से भी बचाता है, क्योंकि अनार में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। कुल मिलाकर अनाज जो होता है
वो आपको हर तरह की समस्या से बचाता है। ये बुढ़ापे में ही नहीं बल्कि आप इसका सेवन आज जवानी में भी करेंगे तो आपको बुढ़ापे में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अनार खून बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तो एक अनार का सेवन आपको रोजाना जरूर करना चाहिए। इसके आगे गुरु कहते हैं कि हमारा तीसरा फल है जो सभी को खाना चाहिए, वो है नारियल पानी। देखो, नारियल पानी का इस्तेमाल छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि इसके फायदे सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप कम उम्र से ही इसका सेवन करते चलेंगे तो आगे चलकर बुढ़ापे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप बुढ़ापे में इसका सेवन करेंगे तो ये उस समय समस्याओं को रोकने का काम भी करेगा। इसीलिए आप इसका सेवन अभी से ही जवानी से ही शुरू कर दो ताकि आपको बुढ़ापे में चलकर कोई भी बीमारी ना हो। नारियल पानी आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। नारियल पानी में बहुत सारा पानी होता है जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। बुढ़ापे में अक्सर लोग पानी कम पीते हैं जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। नारियल पानी पीने से ये सारी की सारी कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान का मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है जिससे वजन बढ़ने की समस्याएं आती है। ऐसे में नारियल पानी पीना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि नारियल पानी में कैलोरी कम होती है जिससे वजन नियंत्रित रखने में काफी मदद मिलती है। ये पाचन को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। नारियल पानी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये त्वचा को हाइड्रेट और चमकदार बनाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं, आइए अब जानते हैं चौथे फल सेब के बारे में। सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि इसके अंदर जो सेलेबल फाइबर होता है या आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलन करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जिससे बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना ही रहता है। तो रोजाना अगर आप एक सेब खा लेते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसके अलावा सेब आपके वजन को संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल होता है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी यह संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत ही मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है। फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपकी कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। सेब पोषक तत्वों से भरपूर और विटामिन सी से भरपूर होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में काफी मदद करता है। शरीर की पुराने से पुरानी बीमारी को यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है जो आपकी हड्डियों के लिए काफी लाभदायक है। सेब खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज मरीजों के लिए सेब काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। सेब स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सेब में पाए जाने वाला विटामिन सी हेल्थी कॉलिशन को शरीर में बढ़ावा देता है। इसे स्किन की इलास्टिसिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक छोटी सी सेब के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। अगर आप 50 साल के हैं या फिर उससे भी ज्यादा के हैं या फिर 50 साल से कम हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपको कभी कोई बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नजर आएं, तो आपको एक सेब रोजाना जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कॉमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो।
और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।